नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू में, और मेरा नाम है कुश पांडे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलॉजीज़ फ्रॉम माय साइड गाइस, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू हो गया था जिस वजह से वी वर नॉट एबल टू डू द शो एट 8 AM शार्प, पर आई होप कल से ऐसा कोई इशू नहीं होगा एंड हम 8 बजे सुबह ही इस करंट अफेयर्स को कर पाएंगे। सो उसके लिए सबसे पहले तो आप सबसे मेरी माफ़ी, बिकॉज आई नो कई लोग का टाइम वेस्ट हुआ है एंड उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट वी विल ट्राई टू इंश्योर कि ये जो आपका सेशन है वो सुबह ट्राई टाइम 8 बजे ही आपका शुरू हो सके। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पर शुरू करने से पहले, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो गाइस एंड प्लीज़ अपने डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। चलो शुरू करें एंड ले चलें आपको आज की पहली खबर पे, जो कि ये रहे दोस्तों आपके सामने। We all know that the election is going to take place and we all know that the Assam state is a very important state for the elections. हम सब जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के एंड उसमें जो असम का स्टेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इट इज़ द बिगेस्ट स्टेट, द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, बट ऑल्सो इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। वन, बिकॉज ऑफ द NRC, दैट इज़ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एंड द सेकेंड इज द सिटीजनशिप बिल, जिसको लेकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूचाल आपका मचा हुआ है। सो देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स वाई द असम चुनाव, द असम इलेक्शंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और असम विल प्ले अ बिग बिग रोल इन द लोकसभा इलेक्शन। उसमें ये बहुत ही बड़ा रोल दोस्तों आपका प्ले करेगा। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि किसी भी तरीके का आपका जो नाम है, किसी तरीके का आपका जो एक एक जो चुनाव होंगे उसमें जो NRC है उसका इस्तेमाल दोस्तों नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन विल इंक्लूड एवरीवन हु इज़ राइट नाउ लिविंग इन असम हु हैज़ अ वैलिड वोटर ID, उसको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। उसमें कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर NRC का रोल यहाँ पर नहीं होगा। NRC के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन देर विल बी नो यूसेज ऑफ द NRC इन द अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ इन द स्टेट ऑफ असम। तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर नहीं होगा। तो आइए एक बार दिखाते हैं आपको ये NRC आखिरकार होता क्या है। देखिए, NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नंबर वन। नंबर टू, बेसिकली इट इज़ एन ऑनलाइन डेटाबेस। ये एक तरह का आपका ऑनलाइन डेटाबेस है जो कि आपको बताता है, जो कि बताता है सरकार को कि कौन कितने लोग यहाँ पर जो हैं, जो कि बेसिकली दे बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम या फिर दोज आर सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री, उसको एक तरह से बताता है। तो दिस इज़ बेसिकली एन डेटाबेस। नाउ गाइस, दिस डेटाबेस हैज़ बीन सेटअप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1951 में पहली बार इसका दोस्तों इस्तेमाल किया गया था, एंड अभी इसका इस्तेमाल किया गया है टू एड्रेस द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स स्पेसिफिकली फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो अनैतिक तौर पर हमारे देश में आए हैं उनको चेक करने के लिए, उनके इशू को चेक करने के लिए इसे यहाँ पर लाया गया है। नाउ गाइस, जो कट ऑफ डेट यहाँ पर रखी गई है दैट इज़ मार्च 24, 1971। या तो वो लोग इस दिन से पहले रहते हैं असम में, या फिर दोज पीपल शुड हैव अ लिनियज, शुड हैव अ कनेक्शन विद देयर एंसेस्टर्स, ताकि ये हम कन्फर्म कर पाएँ कि वो लोग असम के ही या इंडिया के ही नागरिक हैं। सो द कट ऑफ डेट इज़ कि इसके पहले या तो आप पैदा हुए हो असम में, या फिर आपके पास एक प्रमाण हो, यू शुड हैव अ ID स्टेटिंग दैट योर पेरेंट्स लिव्ड इन द स्टेट ऑफ असम बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट। तो उसके लिए NRC आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन वो NRC का यूसेज नहीं करेंगे। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारी आज की अगली खबर पर दोस्तों, जो कि ये रही अब आपके सामने। Citizens protest against threat to use the Official Secrets Act. जो नागरिक हमारे हैं देश के, जो नागरिक हैं, कुछ नागरिक जो हैं उन्होंने अपोज किया है द यूसेज ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। नाउ गाइस, पहले मैं आपको बता दूँ बैकग्राउंड क्या है इसका। इसका बैकग्राउंड ये है कि एन राम, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द हिंदू पेपर, जिसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, उन्होंने ही हैड रिलीज्ड सर्टन डॉक्यूमेंट्स, सर्टन आर्टिकल्स ऑन द रफाल डील। Now these documents were very confidential and they were basically strictly of the government. तो इसको लेकर अभी एक आवाज़ उठी है कि दे विल अप्लाई द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिससे कि तमाम तरह के सैंक्शंस या फिर जेल टाइम झेलना पड़ेगा एनराम को।
So the citizens, especially in the state, especially in the city of Bengaluru, they are all out on streets and वो चाहते हैं कि वो इस act का usage ना करें because this is basically a ploy to actually use the of the actually intimidate the Hindu. एक तरह से the Hindu को डराने की बात यहाँ पर वो कह रहे हैं and इस वजह से ही ये आपका एक काफ़ी important आपका ये एक segment या फिर एक act है. तो आइए एक बार दिखाते हैं आपको इसी के बारे में. Eminent personalities across different fields have staged a protest and criticized the central government for threatening to act against N. Ram, who is the chairman of the Hindu group. The center has recently threatened to book the Hindu and the others under the Official Secrets Act for publishing stories based on the defense ministry documents. Raksha Mantralaya ke dastavezon par the Hindu aur kuch aur papers ne kuch aur publishing houses ne stories chalai thi jis wajah se un par Official Secrets Act lagane ki baat ki gayi hai. अब सवाल यहाँ पर बनेगा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. देखिए द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाज इनिशियली स्टार्टेड इन 1904 एंड फिर इसको अमेंड किया गया इन 1923. द मेन रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज टू मजल द वॉइस ऑफ नेशनलिस्ट पब्लिकेशन. मजल मतलब होता है एक तरह से स्टॉप कर देना या फिर एक तरह से उन्हें रोक देना, बेसिकली टू थ्रेटन और टू डिस्ट्रॉय द नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस. जो नेशनलिस्ट पेपर्स हैं उनको एक तरह से ख़त्म करने की बात या डिस्ट्रॉय करने की बात यहाँ पर कही गई है. अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये एक विंटेज एक्ट है, मतलब ये काफ़ी ओल्ड एक्ट है और काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसे एक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है. एक बार ज़रा वॉल्यूम को चेक कर लें, अगर वॉल्यूम सही लग रही है तो ज़रा वॉल्यूम को हम चाहें तो चेक कर सकते हैं. पर अगर यहाँ तक दोस्तों क्लियर है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वन या फिर वन स्टार. द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन हाउ टू एक्चुअली बैन, हाउ टू एक्चुअली डिस्ट्रॉय और कर्ब द नॉइज और द वॉइस ऑफ द इंडियन मीडिया, उसको लेकर ये एक एक्ट है जिससे कि जो एक क्या कहते हैं डराने की बात है उसको यहाँ पर कहा गया है. तो ये एक बार देख लीजिएगा. शालू पांडे जी आपको सिर्फ इतना याद रखना है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब ये है कि आप कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट आप रिलीज़ नहीं कर सकते और अगर आपने रिलीज़ किया तो आपका जो पब्लिशिंग हाउस है या आपकी जो पहचान है उसे मिटा दिया जाएगा. दैट बेसिकली कैन बी सेड एज एन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. बहुत लोग को क्लियर है दोस्तों. मैं देख रहा हूँ सिर्फ 400 लोग हमारे शो को देख रहे हैं. प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शुरू कीजिए. आज हमें 1000 बच्चे चाहिए शो के अंदर, ठीक है. सो प्लीज़ गाइज आपका ये रोल है जो मेरे फॉलोअर्स हैं शो के, प्लीज़ डू इट एज सून एज पॉसिबल. येस ऋषभ दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज़ बेसिकली अ कलोनियल क्लाइमेट एरा, ब्रिटिश एरा का ये एक लॉ है एंड इसे बंद हो जाना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो माई विजन एज वेल, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज. Annual festival has begun at the Sabarimala festival and this festival will end with the Arat or Arat ceremony on March 21. मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए. साबरमती टेम्पल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है केरला में, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ द वुमन इशू. यहाँ पर अभी भी एक तरह से मनाही कही गई है, मतलब अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर अलाउ किया जाए. सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये काफ़ी न्यूज़ में भी आपका रहता है. सो जो सबरीमाला इशू है, सबरीमाला टेम्पल है, वहाँ पर शुरू हुआ है आपका दी एनुअल फेस्टिवल. एंड इस फेस्टिवल का नाम दोस्तों जो है, वन सेकेंड, दैट इज कोदियेट्टू. सो दिस फेस्टिवल गाइज हैज़ एक्चुअली बिगन इन सबरीमाला. सबरीमाला बेसिकली इज़ अ टेम्पल विच इज़ इन केरला, वहाँ पर ये आपका टेम्पल है. एंड दिस सेरेमनी विल एंड विद द आराध सेरेमनी जो कि आपकी मार्च 21 को होगी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेस्टिवल है क्या एंड सेकेंड सबरीमाला इशू क्या है. दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहला कि सबरीमाला टेम्पल एंड सेकेंड ये इशू दोस्तों आपका क्या है. तो पहले आपको दिखा देता हूँ मैं आपको. दिस फेस्टिवल विल सेलिब्रेट लॉर्ड अयप्पन जो कि यहाँ के मेन डाइटी हैं, मेन यहाँ के गॉड हैं और ख़त्म होगा आपका मार्च 21 को. The reason why Sabarimala temple is in news because there is still a conflict between tradition and women right. जो एक परंपरा चलती आ रही है, एंड आई लव द वर्ड, जो एक परंपरा चलती आ रही है आपकी सदियों से इस टेम्पल पे वो, एंड दूसरा महिलाओं के अधिकार, इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक इशू है, एक बेसिकली एक कन्फ्रंटेशन है. नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, अगर हम संस्कारों की बात करें, अगर हम नॉट संस्कार बट जो संस्कार यहाँ है उसकी बात करें, तो
women between the 10 and 50 years of age were not allowed to enter into the Sabarimala temple. अगर उम्र आपकी 10 और 50 साल के बीच है, आपकी नहीं, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तो इस टेम्पल में अलाउ नहीं किया गया. सिचुएशन चेंज हुई when the Supreme Court on September 28, 2018 ruled that restricting entry of women or of menstruating age was unconstitutional. देखो मतलब obviously बात है, आप सब लोग बड़े हो, everyone is understood. There is a particular time in a month where menstruation happens among girls, and उस particular ऐसी जो महिलाएं हैं उन्हें उस समय भी and overall भी उन्हें allow किया जाए to basically participate in the temple ceremony. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था. ये श्राइन जो है ये बेसिकली अयप्पन के ऊपर है, जिन्हें सास्ता और धर्मसास्ता भी कहा जाता है, और इन्हें नास्तिका ब्रह्मचारी के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है, बिकॉज ही वॉज सेलिब्रेट फॉर आई, मतलब वो ब्रह्मचारी थे जिंदगी भर, इसलिए उन्हें यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है. तो इसके लिए हिंदी भी आप देख सकते हैं कि उनका नाम है निशक्त ब्रह्मचारी, बिकॉज जीवन भर के लिए उन्हें ब्रह्मचारी दोस्तों माना जाता है. दैट इज द रीजन वाई उन्हें यहाँ पर एक तरह से इसे अपोज किया गया. इफ एनी वन विल आस्क व्हाट इज माय व्यू, वेल आई एम न्यूट्रल, बिकॉज गाइस आई एम ट्राइंग टू बिकम समथिंग, आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली क्रैक यूपीएससी इन द कमिंग टू इयर्स, सो दैट आई कैन बिकम समथिंग. गाइस अभी तो मेरा कोई व्यू नहीं है. येस आई कैन राइट फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, राइट द लॉजिक दैट यू हैव, बट डू नॉट फॉलो इट बाय द टी. आपको सिर्फ इससे याद कर रखना है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ज़्यादा इसमें पढ़िए मत, बिकॉज एग्जाम में आपसे पूछेगा सिर्फ इसके पॉइंटर्स. सो सबरीमाला इशू मैंने बता दिया आपको, अगर समझ में आया प्लीज़ लिख दीजिए 1 या फिर 1 स्टार. एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहूँगा लाइक करें, एंड वीडियो के व्यूअरशिप बढ़ाने का जिम्मा अब आपके पास है. इट्स अप टू ऑल ऑफ यू टू इंक्रीज द व्यूअरशिप ऑफ दिस स्पेसिफिक शो. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पर. After discussing the festival that is taking place in the Kerala Sabarimala temple, एक और festival है जो कि आपका हो रहा है in Odisha. This festival generally takes place in the Berhampur district of Odisha. This festival का नाम है ठाकुरानी जात्रा. This festival has started, guys, and ये festival आपका हर साल Berhampur में आपका होता है. एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर. प्रिपरेशंस फॉर द फेमस बाइनियल धाकी ठाकुरानी जात्रा फेस्टिवल हैज बिगन इन बेरहमपुर. द आइडल ऑफ द गॉडेस वुड बी टेकन आउट इन प्रोसेशन टू डिफरेंट स्ट्रीट्स टू डिफरेंट डोर स्टेप्स, एंड बेसिकली दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स अ वेरी स्पेसिफिक कम्युनिटी. एक कम्युनिटी है, एक समाज है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है. दैट समाज इज नोन एज द देवनागरीज, और हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय पी दुर्गा प्रसाद देसी बेहरा, विच इज़ अ फैमिली जो कि इस फेस्टिवल को सदियों से दोस्तों कराती जा रही है. ये फेस्टिवल जो आपका है दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन उड़ीसा एंड बेरहमपुर में आपका ये फेस्टिवल होता है. नाउ गाइस एक चीज़ समझिएगा आप लोग ध्यान से कि एवरी स्टेट विल हैव सर्टेन फेस्टिवल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर ऐसे आपके राज्य होंगे जहाँ पर ऐसे फेस्टिवल्स होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे आपके सवाल बनते हैं. फॉर एग्जांपल सबरीमाला टेम्पल इज़ ऑफ केरला, ठाकुरानी जात्रा टेम्पल फेस्टिवल इज़ ऑफ उड़ीसा, बिहू इज़ ऑफ असम, छठ पूजा इज़ ऑफ बिहार. सो देर आर एटलीस्ट अ सिंगल फेस्टिवल which is celebrated with fun and flair in every state. हर स्टेट में कुछ ऐसा एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि उस स्टेट की खासियत है. तो लाइए एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कि ये डिफरेंट फेस्टिवल्स आपको कौन कौन से याद रखने हैं. इसका हिंदी भी देखिए आपके सामने, तो आइए एक बार दिखा देता हूँ आपको. ये रहे द टॉप 18 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो कि हर एक राज्य में होते हैं. पहला होता है आपका आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है ब्रह्मोत्सवम. सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज़ लोसार फेस्टिवल. थर्ड वन इज़ अ फेस्टिवल इन असम कॉल्ड एज बोहांग बिहू. बिहार में दोस्तों होता है आपका छठ पूजा. छत्तीसगढ़ हैज़ बस्तर दशहरा. गोवा हैज़ अ कार्निवल फेस्टिवल, इट हैज़ ऑल्सो द सनबर्न फेस्टिवल. कर्नाटक हैज़ उगादी और उगदी या युगादी, जो भी माफ़ करेगा फॉर द प्रोनसिएशन. केरला हैज़ ओणम. मणिपुर हैज़ यवोशांग. मेघालय हैज़ नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल. मिजोरम हैज़ चापारचार कुट फेस्टिवल. नागालैंड हैज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल. उड़ीसा हैज़ राजा पर्व. राजस्थान गनगौर. सिक्किम सागा दवा. तेलंगाना बुनालू.
Tamil Nadu Pongal, and Tripura we have Kharchi Puja. So these are the top 18 important festivals apart from Diwali, Dashera, Mahashivratri, Khichdi, Lohri, Baisakhi, ye sab to famous hain, par ye kuch आपके बहुत ही eclectic, बहुत ही specific festivals हैं of these states. Clear हो गया? अगर अच्छा लगा, please वीडियो को like करिए जल्दी से, and please guys, वीडियो को जितना हो सके उतना आप वीडियो को share करना start कर दीजिए. चलिए, आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पे. India test fires guided rocket system Pinaka. The DRDO designed Pinaka system was test fired at the Pokhran range in Rajasthan. This was the third test conducted by the DRDO since Monday. पिछले हफ्ते में तीसरा टेस्ट है और ये सारे टेस्ट जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को आपके अचीव करते हैं. तो दोस्तों अगर हम पिनाका की बात करें, इफ़ यू फोकस ऑन पिनाका गाइस, इसके डिज़ाइनर है DRDO, उसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इसे डिज़ाइन किया है सिंस 1986 बाय अगेन DRDO. द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस सिस्टम इज़ टाटा पावर एंड L&T. It has been in production since 1998. इसका जो रेंज है इट विल वेरी फ्रॉम 40 to 120 किलोमीटर्स, पर जो इसकी एक्चुअल फायरिंग रेंज है मैक्सिमम दैट इज़ 80 किलोमीटर्स, दैट इज़ एट अ स्ट्रेच. ये इसकी मैक्सिमम आपकी फायरिंग रेंज है. तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ आपके लिए कि पिनाका सिस्टम हैज़ बीन टेस्टेड. पिनाका सिस्टम किसने बनाया, मैन्युफैक्चरर कौन है और ये कब से बनाई, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है. DRDO was established in 1958 and अगर मैं यहाँ पर ना बताऊँ इनका, तो उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, हु इज़ द करेंट हेड ऑफ द DRDO ऑर्गेनाइजेशन. वो इसके इस समय दोस्तों आपके हेड हैं. क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. वन एक बार वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा, वॉल्यूम मेरे हिसाब से सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स फोकस नाउ ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. वेल लेट्स नाउ फोकस ऑन फाइनेंशियल टर्म. देर आर टू फाइनेंशियल टर्म्स का जो क्या डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट टर्म इज़ द IIP. ये टर्म आपको आज होमवर्क करना है. ये टर्म मैं कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो इसको नहीं करूँगा, पर अगर नंबर्स की बात करें तो IIP दैट स्टैंड फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट हैज़ स्लोड डाउन टू 1.7% एंड जो CPI है दैट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, या जो एक खुदरा जो एक रिटेल इन्फ्लेशन माफ करना, दैट हैज़ बेसिकली इंक्रीज टू 2.57%. सो अगर हम पिछले महीने की बात करें एज मेजर्ड बाई CPI, सो द CPI हैज़ इंक्रीज टू 2.57% इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. सिमिलरली जो IIP आपका है वो भी आपका हो गया है 1.7%, दैट हैज़ बेसिकली ग्रोन डाउन. वो आपका बेसिकली 2%, वो आपका बेसिकली कम हुआ है फ्रॉम 2% टू 1.7%. तो आइए एक बार ग्राफिक देख लेते हैं इसका. ये रहा आपके सामने ग्राफिक दोस्तों, आप देख सकते हैं वॉट इज़ द करेंट ट्रेंड ऑफ CPI एंड IIP. आप पहले अगर हम IIP की बात करें तो IIP वॉज 4.58 एंड फिर ये कम होके आपका नीचे गिरा एंड नाउ आपका ये 1.7% पे दोस्तों आपका हो गया है. सिमिलरली जो CPI है वो आपका इंक्रीज हो गया है. इट वॉज अर्लियर अराउंड 2% एंड नाउ इट इज़ एट 2.57%. सो देर विल बी टू क्वेश्चन गाइज, वॉट इज़ IIP एंड वॉट वी अंडरस्टैंड बाई IIP. चलिए तो एक बार दिखाते हैं आपको IIP के बारे में दोस्तों. ये रहा आपके सामने. बेसिकली IIP इज़ अ मेजर ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी फॉर अ शॉर्ट पीरियड. अगर हमें कम समय के लिए या फिर अगर हमें एक महीने के लिए ये जानना है कि औद्योगिक उत्पाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ, उसके लिए वी एक्चुअली कैलकुलेट और मेजर द IIP. आई अगेन रिपीट फॉर द लास्ट टाइम गाइस, IIP इज़ बेसिकली एन इंडेक्स which will give us the measure of the industrial production that is taken place in the previous month. पिछले महीने कितनी औद्योगिक उत्पादन या गतिविधियाँ हुई. एनुअल मेजर ये आपका एक साल के लिए होता है या एक क्वार्टर के लिए होता है. IIP इज़ फॉर एवरी मंथ. सो मैं फिर से रिपीट कर दूँ आपके लिए, IIP का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द प्रीवियस मंथ. ये जो आपका IIP है इसे हर महीने रिलीज करता है द CSO which works under the MOSPI department ministry, that is the Ministry of Statistics and Program Implementation. और ये monthly भी होता है
और पिछले महीने के 6 हफ्ते बाद दोस्तों इसको पब्लिश किया जाता है. बेसिकली द डेटा गिवन टू IIP इज़ फ्रॉम 16 मिनिस्ट्रीज और 16 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ IIP. अगर आपको समझ में आ गया होगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार. मधुरिमा, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपका इंटरव्यू है तो हाँ, वहाँ पर आपसे IIP पे सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन ऑल्सो आस्क यू रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ द IIP. इसका हिंदी स्क्रीन पर आप आइए, देखिए इसका हिंदी भी है. इसका हिंदी में नाम है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो इसका नाम है, और ये पिछले महीने के 6 सप्ताह बाद इसको दोस्तों कैलकुलेट किया जाता है. क्लियर हो गया? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा 1 अगर आप सबको ये क्लियर हो गया है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, जो कि अब आपके सामने ये रही. गवर्नमेंट सोच रहा है टू एक्चुअली रेज 3,500 करोड़ बाय सेलिंग शेयर्स अंडर द ETF. ETF के जरिए वो अपने शेयर्स को सेल करने की दोस्तों यहाँ पर बात करने की उसने बात यहाँ पर रखी है. तो दोस्तों ये जो आपका हेडलाइन है इसको आपको नहीं पढ़ना, प्लीज इग्नोर करिए. दिस हेडलाइन में आपको क्या पढ़ना बताता हूँ मैं आपको. सबसे पहले वॉट इज EPF एंड द सेकेंड वन वॉट इज़ अ ग्रीन शू ऑप्शन. ये दो चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़नी है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है. इनको डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको लिंक दे रहा हूँ. दिस इज़ द लिंक, ये लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का. यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप एंड इस ग्रुप पे जाके यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ माई शो. इस शो की PDF आप यहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं. ये लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, ठीक है. सो लेट्स फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ETF एंड सेकेंड विल फोकस व्हाट इज अ ग्रीन शू ऑप्शन. अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट, आई हैव टू क्वेश्चन गाइस. वन, शुड आई मेक दिस शो अ वेरी इजी शो, ताकि मैं आपको हल्की हल्की खबरें बता दूं, बेसिक बेसिक खबरें बता दूं और क्राउड ले आऊं, या फिर आई शुड फोकस ऑन क्वालिटी ऑन इम्पॉर्टेंट कंटेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन. बिकॉज अगर वो मैं पढ़ाऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट सीरियस एट ऑल. ठीक है, दुनिया में बहुत ही कम लोग सीरियस हैं किसी चीज़ को लेकर. सो आई अग्री, आप में से बहुत लोग सीरियस नहीं है. सो इट इज़ अप टू मी, इट इज़ माई क्वेश्चन टू एवरी वन, शुड आई डिस्कस वेरी हलवा हलवा हेडलाइन जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, या फिर आई फोकस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पर उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों. अगर आप वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हो, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो एक डिमोटिवेशन मेरे को मिलता है, ये मिलता है कि मेरा शो अच्छा नहीं है या मेरा शो आपको पसंद नहीं. तो भाई अगर आपको ये शो लगातार कंटिन्यू करवाना है रेगुलर बेसिस पे, तो प्लीज़ गाइज आई अगेन रिपीट, अगर वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करोगे, वीडियो के व्यूअर्स बढ़ाओगे, तो मेरे को भी रोज़ आने का लगेगा हाँ यार सुबह उठ के मैं आता हूँ आप सबके लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. चलिए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड माई रिक्वेस्ट. ओके, तो आइए एक बार दिखाता हूँ आपको इसी के बारे में. तो देखिए, तीन चार टर्म्स हैं हमारे आज के. वन इज़ IIP, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड टर्म जो हमारा है दैट इज़ ETF. थर्ड हमारा है ग्रीन शू ऑप्शन एंड फोर्थ है हमारा ESOP. ठीक है, सबसे पहले आइए जान लेते हैं ETF क्या होता है. देखिए, ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एन इन्वेस्टर एंड आई वॉन्ट टू बी सिक्योर इन ए स्टॉक मार्केट, सो आई विल नॉट गो फॉर शेयर्स बट आई विल गो फॉर एन इंडेक्स. Now, what is an index, guys? One second. Now, what is an index, guys? Index is basically a list of companies who have shares in the market. आप समझिएगा ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास शेयर्स हैं, इफ इनकी वैल्यू कम होती है तो मेरी वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, कम होगी. पर अगर हम एक इंडेक्स की बात करें, सो इंडेक्स जनरली इज मच मोर सिक्योर, बिकॉज अगर इसमें एक शेयर की वैल्यू कम होगी, इट इज हाई पॉसिबिलिटी दैट द नेक्स्ट शेयर्स वैल्यू इंक्रीजेस. ऑलराइट,
सो ETF इज़ बेसिकली अ फंड दैट इज़ लिस्टेड ऑन एन इंडेक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर. वो किसी एक कंपनी के या दो कंपनी के शेयर्स पे काउंट नहीं होता है. बेसिकली इट इज़ काउंटेड ऑन एन इंडेक्स. इंडेक्स अगर कम होगा ओवरऑल तो आपका वैल्यू कम होगा, इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगा. बट द चांसेस ऑफ दिस गेटिंग बेटर इज़ मच मोर दैन अ शेयर. अ कंपनी शेयर मे गो डाउन ऑलवेज पर जनरली एन इंडेक्स रिकवर्स क्विकली. जनरली आपका जो इंडेक्स है वो बहुत जल्दी आपका बेटर हो जाता है. तो ये एक अंतर है आपका इंडेक्स में और शेयर्स में कि अगर आपने शेयर्स लिए, इफ़ यू हैव टेकन ओनली शेयर्स देन बेसिकली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज़ हाई. बट अगर इंडेक्स आपने फंड लिया, अगर आपने ये लिया है देन देर आर पॉसिबिलिटी दैट योर वैल्यू ओवरऑल विल इंक्रीज. इंडेक्स इज़ बेसिकली अ लिस्ट ऑफ कंपनीज विच ऑफर शेयर्स इन अ स्टॉक मार्केट. क्योंकि यहाँ पर कई सारी कंपनीज हैं तो यहाँ पर लॉस की चांसेस आपकी सबसे ज्यादा कम होगी. अगर क्लियर हो गया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार. अगर सबको क्लियर हो गया है तो जल्दी से लिख दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार. आइए एक बार दिखाता हूं आपको इसी के बारे में. ये रहा आपके सामने ETF और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर बेसिकली इंडेक्स फंड्स. यहाँ पर यू आर एक्चुअली बाइंग अ पोर्टफोलियो. आप शेयर्स का एक डब्बा, एक बेसिकली एक शेयर्स का ग्रुप परचेज कर रहे हो जिससे कि आपको नुकसान यहाँ पर कम हो सकता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ ETFs. द फर्स्ट वन इज इंडेक्स ETF एंड सेकेंड वन इज गोल्ड ETF. जहाँ पर आप एक गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हो. तो दो तरह के आपके फंड्स हैं. क्लियर हो गया प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1. साहिल जी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार बाकी लोग बता देंगे आपको, पर मैक्सिमम लोग को तो ये समझ में आ गया है. नेक्स्ट जो हमारा फंड दोस्तों है, जो कि मैं यहां पर रिलीज कर दूंगा पहले, दैट फंड गाइस इज बेसिकली ग्रीन शू ऑप्शन. नाउ व्हाट इज अ ग्रीन शू ऑप्शन? ठीक है साहिर जी, मैं थोड़ा कम करके बोल रहा हूं, बाकी हम इसको डिस्कस कर लेंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अप भोला पावर. भोला पावर ने पहली बार शेयर्स ऑफर किए शेयर मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल भोला पावर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफर शेयर्स इन द शेयर मार्केट. दिस ऑफर इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और इनिशियल पब्लिक ऑफर. आई अगेन रिपीट गाइस, भोला पावर ऑफर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम न्यू शेयर्स इन द शेयर मार्केट. Such an offer will be called as an IPO. For example, all the shares have been booked. हर शेयर को कस्टमर्स ने बुक कर लिया है, पर अभी भी जो इनकी डिमांड है इन शेयर्स की वो ज्यादा है. समझिएगा ध्यान से, all the shares which are offered under the IPO or the initial public offering have been booked. मतलब complete हो गए, पर फिर भी जो इन शेयर्स की डिमांड है वो ज्यादा है. सो सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इनको एक ऑप्शन देगी, ऑप्शन टू सेल 2.5% एडिशनल शेयर्स. दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज द ग्रीन शू ऑप्शन. इस ऑप्शन को दोस्तों हम ग्रीन शू ऑप्शन का यहां पर नाम देंगे. ऑल राइट, सो अ ग्रीन शू ऑप्शन इज द ऑप्शन ऑफ सेलिंग एडिशनल शेयर्स ओवर द इनिशियल IPO. दैट एडिशनल ऑप्शन इज कॉल्ड एज ESOP ग्रीन शू ऑप्शन. ठीक है, क्लियर हो गया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा 1 और 1 स्टार. अगेन रिपीट गाइस, ग्रीन शू ऑप्शन इज बेसिकली एन ऑप्शन गिवन बाय द शेयर होल्ड, गिवन बाय द रेगुलेटर दैट इज सेबी टू द कंपनी टू ऑफर एडिशनल शेयर्स. दैट इज कॉल्ड एज आपका ग्रीन शू ऑप्शन. क्लियर हो गया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा. रीजन ये है कि ग्रीन शू एक कंपनी का नाम था. फॉर द वेरी पहली दुनिया में पहली बार किसी कंपनी को ऐसा ऑप्शन दिया गया था, दैट वॉज अ ग्रीन शू कंपनी. ठीक है, क्लियर सबको प्लीज कमेंट कर दीजिएगा 1. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ESOP में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टर्म, बिकॉज काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा. आगे बढ़ते हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. चेस सेट फॉर अ कमबैक एट
दी 2022 एशियन गेम्स, जो हमारे एशियाई खेल हैं उनमें एक तरह से कमबैक करने वाला है आपका चेस। ऐसा दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है कि इट विल बेसिकली डू अ कमबैक वंस द 2022 एशियन गेम्स टेक प्लेस। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको पिछले टर्न पे कि जो आपका आपका क्या कहते हैं क्रिकेट है, क्रिकेट विल बी अ पार्ट ऑफ दीज गेम्स, एंड नाउ चेस जो है इट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दी ह्वांगजू एशियन गेम्स। इट इज़ अ थर्ड सिटी टू होस्ट द एशियन गेम्स इन चाइना। चाइना में तीसरा शहर है जहाँ पर ये होगा, एंड यहीं पर चेस जो आपका है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सिंपल है, क्लियर कि एशियन गेम्स विल नाउ हैव चेस एज अ स्पोर्ट अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, जिसको कि हाल ही में अप्रूवल दिया गया था। चलिए दोस्तों, 7 लोगों ने डिसलाइक किया है और सिर्फ 263 लोगों ने लाइक किया है। सो आई वॉन्ट एवरी 600 पीपल आर वॉचिंग, आई वॉन्ट एवरी ऑफ वन ऑफ दीज 600 पीपल टू एक्चुअली लाइक द शो एज सून एज पॉसिबल। जल्दी सब लोग लाइक कर दें। चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। इंडियाज न्यूएस्ट फ्रॉग, भैया स्क्रीन पे गायब हो गया। इंडियाज न्यूएस्ट फ्रॉग हैज़ बीन इवॉल्व 60 मिलियन ईयर्स अगो। 60 साल पहले आपका जो भारत का सबसे नया फ्रॉग जो ढूंढा गया है वो 60 साल पहले दोस्तों पाया गया था। दोस्तों इस द नेम ऑफ दिस फ्रॉग इज़ आफ्टर द कुरिचिया ट्राइब, एंड ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर दोस्तों आपका पाया गया। ले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट इज़ जस्ट 2 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड स्पोर्ट्स अ पेल ब्लू स्पॉट एंड ब्रिलियंट ऑरेंज हाइज। एंड दोस्तों इसको हाल ही में एक तरह से इसे पाया गया है, एंड इसका जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज़ एस्ट्रोब्राथ्रासिस कुरिचियाना। कुरिचियाना नाम इसलिए दिया गया बिकॉज इट इज़ नेम्ड आफ्टर द वायनाड्स कुरिचिया ट्राइब। तो ये भारत का सबसे नया नवेला आपका एक फ्रॉग है जिसे हाल ही में दोस्तों पाया गया है, एंड जो कि न्यूज़ में भी दोस्तों आपका आजकल था। वापस दोस्तों स्क्रीन पे आते हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बिकॉज हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है। सो आई हैव टू स्टॉप हियर गाइज, ताकि नेक्स्ट सेशन को हम कंटिन्यू कर पाएँ। गाइज वी हैव कम अप विद अ मेगा सेल फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज़ द मेगा सुप्रीम, जो कि आपका आज है। आपका बैंक सुप्रीम भी है फॉर ऑल द बैंक वीडियो कोर्सेज, एस सुप्रीम है फॉर द SSC वीडियो कोर्सेज, एंड देन वी हैव द मेगा सुप्रीम विच इज़ बेसिकली फॉर ऑल द वीडियो कोर्सेज। एंड ये हम हर महीने लाते हैं, पर इस महीने आज के लिए और कल के लिए आया है। सो एनी वन हु वॉन्ट्स टू परचेज इट, प्लीज़ परचेज इट एज सून एज पॉसिबल। बाकी अगर आपको चाहिए इसका PDF, द PDF गाइज इज़ अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। इस लिंक पर जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, एंड यू कैन डाउनलोड द PDF। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज आपका आने के लिए। कल आई होप हम टाइम पे आएंगे, कल आई बी ऑन टाइम एट 8 AM। सो थैंक यू सो मच गाइज आपका आने के लिए। बाय गाइज, टेक केयर, एंड जो डिसलाइक करने वाले हैं स्पेशली आपके लिए आई लव यू। बाय गाइज, टेक केयर।